हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल एंड वी आर बैक अगेन विद द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर सेवंथ ऑफ मार्च 2023 7 मार्च 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि, कि कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड डू शेयर इट अमंगर फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको कहा नोट्स मैं अवेलेबल करा रहा हूँ तो जैसे कि आप वेबसाइट में भी देख सकते हैं टेम्स कॉम में भी आप डेली जा करके पढ़ सकते हैं और ऐप हमारा जो ऐप है ईजिली वहाँ पर जा करके स्टडी मटेरियल में जा के आप आपको डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत यह मिल जाएगा तो ऐप आप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया अभी तक तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक मिल जाएगी वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए ऑब्वियसली बात है जो भी कंटेंट आएगा वो मैं वहाँ डालता जाऊँगा अभी स्टार्टिंग फेज है ऐप का इसलिए आपको कुछ चीज़ें नहीं दिख रही होंगी लेकिन धीरे धीरे वो सारी चीज़ें अपडेट हो जाएंगी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सवालों के साथ जो कि आपको आंसर देने हैं पहला सवाल है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू विप विप के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स है पहला स्टेटमेंट कह रहा है द ऑफिस ऑफ द विप इज बेस्ड ऑन द कन्वेंशन ऑफ द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट दूसरा कह रहा है द विप कैन डायरेक्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन होम टू वोट ड्यूरिंग द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन Uh, तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है फिर एम पी हिज पार्टीज विप ही फेसज एक्सपल्शन फ्रॉम द हाउस अंडर द एंटी डिफेक्शन एक्ट तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कौन से स्टेटमेंट गलत है सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट आपको बताना है तो ये तीन स्टेटमेंट्स थे आप आंसर करने की कोशिश कीजिए लेट मी टेल यू दी आंसर नाउ द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज टू ओनली सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि तो वो उसको डायरेक्ट नहीं कर सकता है कि वे कि प्रेजिडेंशियल इलेक्शन में किसको वोट किया जाए प्रेजिडेंशियल इलेक्शन में जिसको उसका माना होगा उसको वो वोट कर सकता है तो सेकंड स्टेटमेंट इज इन करेक्ट वन एंड थ्री आर करेक्ट क्वेश्चन नंबर टू की तरफ आते हैं कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द साइट्स एग्रीमेंट साइट्स के रिगार्डिंग है पहला स्टेटमेंट कह रहा है द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज टू द साइट्स इज सुप्रीम कंसेंसस बेस्ड डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द कन्वेंशन सेकंड कह रहा है यूएनजीए हैज डिक्लेयर्ड एज थर्ड मार्च एज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे

पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन दूसरा फैक्ट आप याद रखेगा कि तीन मार्च जो है तीन मार्च 1973 इट इज चूजन एज द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे और क्यों इसको चूज किया गया क्योंकि यू एन जी ए ने दो हजार तेरह में इसी दिन मतलब वो मतलब इट इज इन ऑर्डर टू कम्यूनरेट सॉरी कम्यूनरेट द सिग्नेचर ऑफ साइट्स इन नाइनटीन सेवनटी थ्री उन्नीस सौ तिहत्तर में इसी दिन साइट्स जो है वो साइन uh, किया गया था जिससे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इसी दिन सेलिब्रेट किया जाता है आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज तीसरा सवाल रिसेंटली वॉज इन न्यूज आपको बताना है कि से कहां पर है ऑप्शन बी जापान सी न्यूजीलैंड डी रशिया कहां पर है तो आई होप uh, आप लोग इसका आंसर कर पाएंगे वैसे मोस्ट ऑफ यू मस्ट है्यूजीलैंड इसका करेक्ट आंसर uh, है न्यूजीलैंड वॉलकैनिक ग्रुप है साउथ पैसिफिक क्वेश्चन में इट इज नियरली सिक्स हंड्रेड माइल्स नॉर्थ ईस्ट ऑफ दैंड न्यूजीलैंड बेसिकली आर डिपेंडेंसी ऑफ न्यूजीलैंड एज वेल

जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि स्टार्ट हुई है इसका नाम है फ्रिंजेक्स याद रखिएगा अगर कोई आपसे पूछता है कि फ्रिंजेक्स एक्सरसाइज किन दो कंट्रीज के बीच में है फ्रिंजेक्स है ना तो यहाँ पे कंफ्यूज कर सकता है वो जापान दे सकता है इंडिया फ्रांस लेकिन फ्रांस और इंडिया के बीच में याद रखिएगा फ्रिंजेक्स और ये लगभग पेंगोड़े मिलिट्री स्टेशन जो कि तिरुवनंतपुरम में वहां पे हो रही है कंडक्ट फ्रिंजेक्स याद रखेगा जॉइंट मिलिट्री साइज बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस सेकेंड जो न्यूज आर्टिकल है वो है जी एन रामचंद्रन जी के रिगार्डिंग जी एन आर बोलते हैं इनको जी एन रामचंद्रन वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी इन द इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड जी एन रामचंद्रन वेल नोन एज जी एन आर इनको जी एन आर भी कहा जाता है ही इज वन ऑफ दन ऑफ दोस्ट है प्राउड बाय देयर रिसर्च एंड ही हैज मेनी लिक्यूरेटिव असाइनमेंट फॉर डूइंग रिसर्च इन द वेस्टर्न कंट्रीज इंपॉर्टेंट uh, चीज़ है कि ही डिसाइडेड टू वर्क इन इंडिया अगेंस्ट ऑल आर्ट्स सी वी रमन जी तो फॉरन में जाकर काम करने लगे थे बट ही ई डिसडेड टू स्टे इन इंडिया वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट साइंटिस्ट ऑफ द ट्वेंटी सेंचुरी सबसे इंपॉर्टेंट जो फील्ड था इनका वो मोलिकुलर बायोफिजिक्स था जो द फील्ड वॉज द फील्ड ऑफ डिस्कवरी वॉज मोलिकुलर बायो फिजिक्स लिख लीजिए जी एन आर राम जी एन आर या जी एन रामचंद्रन the field was molecular biophysics and he was studying especially the protein structure बहुत important है protein structure study करने में बहुत ज़्यादा role है इनका protein structure जी एन रामचंद्रन मोलिकुलर तो बायोफिजिक्स आपने लिखा होगा पहला कीवर्ड है सेकंड कीवर्ड इज़ प्रोटीन स्ट्रक्चर ही वाज स्टडिंग द प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड डिस्कवरी ऑफ द ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन कोलेजन का जो ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर है इट ही वाज रिलेटेड टू दैट एज वेल है ना इस्पेली प्रोटीन स्ट्रक्चर को स्टडी करने में कोलेजन किस स्ट्रक्चर की बहुत मदद थी तो उसमें काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल था जी का एंड ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो स्टडी करने में मदद की थी रामचंद्रन जी का फी आ, फाई साई प्लॉट था एक याद रखिएगा पी एच आई फाई एंड साई पी एस आई फाई साई प्लॉट ये है पीएम राम जीएन रामचंद्रन का या इसको रामचंद्रन प्लॉट भी कहा जाता है एंड इट इज़ वन ऑफ द स्टैंडर्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रोटीन स्ट्रक्चर इन टेक्स्ट बुक तो जीएन रामचंद्रन जी का आ, फाई साई प्लॉट और द रामचंद्रन प्लॉट इट हैज़ बिकम अ स्टैंडर्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर इन टेक्स्ट बुक ठीक है ना एंड जब आप प्रोटीन स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो फाई साई प्लॉट के बिना वो बात अधूरी रह जाती है तो मॉलिक्यूलर बायोफिजिक्स फाइ साई प्लॉट प्रोटीन स्ट्रक्चर और ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन इन सब से रिलेटेड थे जीएन रामचंद्रन ही वाज अ पायनियर इन द फील्ड ऑफ मॉलिक्यूलर बायोफिजिक्स एंड इन्होंने दो सेंटर्स से स्टार्ट किए थे मॉलिक्यूलर बायोफिजिक्स के एक फर्स्ट था यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास चेन्नई में सेकंड वाज एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में दोनों ही सेंटर इंटरनेशनली रिकग्नाइज हो गए एंड ही इंटरप्रेटेड द फिलोसॉफिकल आइडियाज ऑफ सयाद न्यान तो सयाद न्यान का इन्होंने uh, जो फिलोसॉफिकल आइडिया उसको भी डेसिफर करने की कोशिश की थी uh, सयाद न्यान क्या है सियाद न्यान मी टेल यू व्हाट इज दिस सयाद सयाद नान व्हाट इज़ सयाद न्यान सयाद न्यान इज द डॉक्ट्रिन ऑफ मे बी ऑफ मे बी याद रखिए मे बी हर चीज़ में जैसे बोलते ना मे बी इट कैन इट इज़ पॉसिबल इट माइट बी पॉसिबल मे बी इट इज़ अ जैन फिलासफी सियाद न्यान इज अ जैन फिलासफी द फिलोसफी ऑफ मे बी एंड इसको उन्होंने सिफ़र करने में बहुत बड़ा वो किया इन द मैथमेटिकल फॉर्म एंड ही कॉल्ड बुलियन वैक्टर मैट्रिक्स फॉर्मोलेशन इसको उन्होंने बुलियन वैक्टर मैट्रिक्स फॉर्मेशन फार्मोलेशन कहा बुलियन वेक्टर मैट्रिक्स फॉर्मूलेशन है ना ठीक है याद रखिएगा दिस वाज़ द थिंग व्हिच वाज़ डिसिवर्ड बाय हिम इन द फॉर्म ऑफ अ मैथमेटिकल इक्वेशन है ना तो ऑल दिस थिंग्स आर रिलेटेड टू जी एन रामचंद्रन आई होप यू गॉट क्लैरिटी आई होप आपको समझ में आ गया होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल थे आई होप ho आपको अच्छा लगा होगा लेट्स मूव हेड नाव थोड़ा न्यूज आइटम्स देखने हैं तो लास्ट से देखते हैं गवर्नमेंट टू अनवेल रिटेल ट्रेड पॉलिसी सून तो गवर्नमेंट ने कहा है कि दे आर वर्किंग टू ब्रिंग अ नेशनल रिटेल ट्रेड पॉलिसी फॉर ब्रिक एंड मोर्टाल रिटेल ट्रेडर ट्रेड तो ब्रिक एंड मोटार रिटेल ट्रेडर्स किन्हीं कहा जाता है ब्रिक एंड मोर्टाल रिटेल ट्रेडर्स कहा जाता है उन लोगों को जिनके शॉप्स बने रहते हैं आपने देखा होगा कुछ लोगों की दुकानें जो बनी रहती हैं बाहर है ना तो उसको बोला जाता है ब्रिक एंड मोर्टाल रिटेल ट्रेडर्स उनके लिए एक नेशनल लेवल की रिटेल ट्रेड पॉलिसी जो है गवर्नमेंट जो है वो बना रही है इन ऑर्डर टू प्रमोट ईज ऑफ डूइंग पॉलिसी लेकर आने वाली गवर्नमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन फॉर इंटरनल ट्रेड डी पी आई टी जो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड जो है, है, है uh, उन्होंने ये चीज बताई कि नाउ दे आर थिंकिंग ऑफ प्रोवाइडिंग बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर टू टू रिटेल ट्रेडर्स एंड मोर क्रेडिट टू दीज रिटेल ट्रेडर्स बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सेकंड है मोर uh, क्रेडिट की प्रोवाइड uh, तो करने की ऑनलाइन रिटेल ट्रेडर्स ऑनलाइन रिटेलर्स के लिए ई कॉमर्स पॉलिसी भी जल्दी ही लेकर आया जाएगा ई कॉम पॉलिसी ताकि दोनों एक दूसरे को इंपैक्ट ना करें ब्रिकन मोल्टर वालों को खत्म ना कर दे अब ऑब्वियसली आपको एक और चीज पता होगी ओ एन डी सी यानी कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स विल हेल्प द रिटेल्स टू सर्वाइव द लार्ज ई कॉम्स रिटेलर्स के लिए ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स एक आइडिया पिच किया गया है uh, आप सबको पता होना चाहिए ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स जो है इट इज़ अ नेटवर्क 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 बेस्ड 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 ऑन ऑन ओपन ओपन प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल

अपॉर्चुनिटीज टू कर डिजिटल मोनापली बाय सपोर्टिंग माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस एंड स्मॉल ट्रेडर्स एंड हेल्प दम टू गेट एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो इनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देने में मदद करेगा ये ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ठीक है ना ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स जो रहेगा वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा जो स्मॉल माइक्रो मीडियम इंटरप्राइजेज हैं जैसे किराना के शॉप्स हैं जो इस तरीके के छोटे वेंडर्स हैं इन सबको मदद करेगा कि इनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिल सके ताकि ये जैसे बड़े बड़े अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसे बड़े प्लेटफॉर्म हैं उनके ऑन स्लॉट को सर्वाइव कर सकें ठीक है ना एंड इट इज़ अ इनिशिएटिव बाय द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड विच इज़ कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री तो ये ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स जो है ये आपका

ओपन नेटवर्क के अंतर्गत वो देख सकते हैं ऐसा नहीं होगा कि किसी एक फ्लिपकार्ट फ्लिपकार्ट का देखना है या Amazon, Amazon का देखना है सारे प्लेटफॉर्म्स का एक साथ दे मिल सकता है और ये इसमें जो रजिस्टर कर लेगा जैसे अगर कोई रिटेलर है रजिस्टर कर लेगा तो उसके भी आइटम्स और प्रोडक्ट देखना शुरू हो जाएंगे उसमें आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल अफ़गान यूनिवर्सिटीज़ रीओपन बट वेमे स्टिल बार्ड तो अब वेमेन को बार किया गया है फ्राम इंटरिंग इन टू द अफगान यूनिवर्सिटीज आप देख सकते हैं यहाँ पे वमेन को किस तरीके से मतलब काट दिया गया है वहाँ पे है ना उनको एंट्री नहीं दी जा रही है आ... ठीक है यहाँ पे आगे देख लेते हैं यहाँ पे लिखा है कि बैनर है जिसमें वुमेन टू कवर देयर फेसेस पेस्टेड ऑन यूनिवर्सिटी वॉल आफ्टर इट वॉज रिओपेंड इन काबुल तो ये एक, एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन है क्योंकि ऑब्वियसली बात है जो uh, अगर आप इस्लामिक डॉक्यूमेंट्स देखेंगे तो उसमें तो ऐसी मनाही नहीं है uh, फिर तालिबान किस किस लिए वुमेन को पढ़ाई करने से मना कर रहा है सो दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन इट्स अ सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन विच इज़ हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड यू एन टेक्स न्यू मेजर्स टू फाइट क्लाइमेट चेंज अब यूनाइटेड नेशंस जो है डब्ल्यू एम ओ के अंतर्गत यानी कि डब्ल्यू एम ओ वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है एक नया प्लेटफॉर्म बनाएगा अ न्यू प्लेटफॉर्म विल बी फॉर्म्ड बाय दिस यू एन डब्ल्यू एम ओ यू एन डब्ल्यू एम ओ एक नया प्लेटफॉर्म बनाएगा विच विल कम विद्यू ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मोनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मोनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ विच एम्स टू प्रोवाइड बेटर वेज ऑफ मेजरिंग प्लानट्स वार्मिंग एंड इसी के अकॉर्डिंग फिर एक एक इनफॉर्म्ड uh, पॉलिसी बनाने की बात की जा रही है तो जो है, दे आर गोइंग टू ब्रिंग अप अ न्यू ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर याद रखेगा तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी आगे मूव करते हैं देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स हैं आगे मूव करते हैं देखते हैं रेलवे टाइज अप विद इसरो फॉर ट्रेन ट्रैकिंग तो रेलवे ने टाई uh, अप किया इसरो के साथ ट्रेन ट्रैकिंग के लिए तो इंडियन रेलवेज इज हार्नेसिंग द पावर ऑफ डेटा एनालिटिक्स फॉर इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्टेशन इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्टेशन के फील्ड में डेटा एनालिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं रेलवेज वाले uh, इन्होंने एक प्रोजेक्ट कमेंस किया है विच विल नाउ इनेबल रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ ट्रेन मूवमेंट्स विद द असिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट इमेजरी तो सैटेलाइट इमेजरी की मदद से रियल टाइम ट्रेन ट्रैकिंग की जाएगी अब ये जो रियल ये सिस्टम है इसका नाम क्या आर टी रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोजेक्ट आर टी आई एस प्रोजेक्ट अगर आप सब पूछे कि आर टी आई एस प्रोजेक्ट क्या है तो इट इज़ द रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोजेक्ट ठीक है ना अब ये इसरो की मदद से चल रहा है ऑब्वियस सी बात है इसमें लोकेशन और जो जी पी एस है उसका मदद ली जाएगी तो जी पी एस जो अमेरिकन है उसकी मदद नहीं लेंगे हालांकि इसमें हम मदद लेंगे इसरो के रीजनल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम की जिसको नाविक कहा जाता है याद रखिएगा नाविक क्या है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्टले कॉन्स्टलेशन नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन इसके अलावा भुवन सिस्टम आपको पता होगा वेब बेस्ड यूटिलिटी है विच अलाउज़ यूजर्स टू तो एक्सप्लोर अ सेट ऑफ मैप बेस्ड कंटेंट बीइंग डेवलप्ड बाय डिप्लॉयड फॉर ट्रैकिंग तो भुवन के माध्यम से भी भुवन एक वेब बेस्ड यूटिलिटी है विच अलाउज़ यूजर्स टू तो एक्सप्लोर अ सेट ऑफ मैप बेस्ड कंटेंट बींग डिप्लॉयड फॉर ट्रैकिंग तो नाविक और भुवन सिस्टम का यूज़ किया जाएगा एंड रेलवेज जो है आर प्रोजेक्ट के लिए नाविक और भुवन के डेटा को यूज़ करेगा एंड डेफिनेटली इट विल बी हेल्पिंग इन द रियल टाइम train tracking. वी हैव रेलवेज का क्या कहना है वी हैव टेकन वी हैव शेकन हैंड्स वी हैव टेकन बैंड फ्रॉम इजरो एंड इंटीग्रेटेड आर सिस्टम्स विद नाविक एंड भुवन तो नाविक और भुवन के साथ उन्होंने अपने सिस्टम्स को इंटीग्रेट कर लिया है एवरी लोकोमोटिव मोटिव इज फिटेड विद अ डिवाइस एंड अ सिम विच कम्युनिकेट्स द ट्रेन रियल पोजिशन टू द सेटेलाइट एंड फीडबैक इज रिस तो ठीक है यहाँ से ट्रेन जो है कम्युनिकेट करेगी एंड फिर उसके फीडबैक मिलेगा एंड द मूवमेंट इज अपडेटेड एवरी थ्री सेकेंड जो मूवमेंट है वो हर तीन सेकंड में अपडेट होगी सो uh, दिस so इज़ अ रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ ट्रेन ऑब्वियसली बात ये बहुत है बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग एक्सीडेंट्स फ्लड्स लैंड स्लिप्स है ना तो जब पिन पॉइंटेड डायरेक्शन आपको चाहिए पिन पॉइंटेड आपको टाइमिंग चाहिए पिन पॉइंट आपको पोजिशन चाहिए तो उस समय इन सब चीज़ों में बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा एंड इसके अलावा जो वैष्णव जी हैं जो मिनिस्टर हैं रेलवेज के उनका ये भी कहना है कि ए का यूज किया जाएगा धीरे धीरे फॉर इंक्रीजिंग द जो टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट है रेलवेज का उसको इंप्रूव करने के लिए ए आई विल बी यूज है ना तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर आई Hope you got clarity. Uh...

तो उनको पी आई डी या प्रिजनर आई डी मिलता है तो अब होम मिनिस्ट्री ने क्या कहा कि डी जो रहेगा एक, एक एक तरीके का 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 काम करेगा और उसका उसके बेसिस पे आप का आधार यूज कर सकते हैं बैंक अकाउंट के लिए अदर चीज डिटेल्स के लिए ठीक है तो काफी इंपॉर्टेंट था ये। आ, अगला जो आर्टिकल है वो है रिगार्डिंग uh, uh, टर्टल ऋषिकुलडली यहां पे इंपॉर्टेंट

कि थाउजेंड्स ऑफ फीमेल बेसिकली दे कम टुगेदर ऑन द सेम बीच टू ले एग्स अरीवाड़ा बनाते हैं है ना एक ही बीच में आते हैं थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ फीमेल टुगेदर एंड देन दे द एक्स देयर इसके अलावा हैबिटेट की अगर हम बात करें तो दे आर फाउंड इन द वम वाटर्स ऑफ पैसिफिक अटलांटिक एंड इंडियन ओशन एंड उड़ीसा की गहिर माथा मैरीन सेंचुरी जो है इट इज़ नोन एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रुकरी रुकरी मतलब होता है कॉलोनी और ब्रीडिंग कॉलोनी ऑफ ब्रीडिंग एनिमल्स तो रुकरी uh, के रूप में गहिर माथा मैरीन सेंचुरी को जाना जाता है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रुकरी ऑफ द ऑलिड लिटर टर्स इसके अलावा ऑलिव रेडी टर्टल्स जो मैंने है मैंने आपको बता दिया स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट अबंडेंट है आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट प्रोटेक्शन स्टेटस की अगर हम बात करें तो शेड्यूल वन में आता है ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के आयु रेड लिस्ट में वलरेबल है साइड्स के अपेंडिक्स वन में आता है ठीक है ना और इसके ऊपर थ्रेट क्या क्या है तो ह्यूमन कंजम्पन कुछ लोग इसको खाते हैं कई जगहों पर मरीन पॉल्यूशन एंड वेस्ट इसका एक थ्रेट है इसके लिए थ्रेट है फिशिंग uh, ट्रॉलर्स में कई बार ये पकड़े जाते हैं ना जैसे मास ये सीन फिशिंग और ये सब चीजें जब होती हैं uh, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया गया था इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा ऑपरेशन ओलिविया है ना दैट वाज इनिशिएटेड इन टू हेल्प प्रोटेक्ट द टर्टल्स है ना ऑपरेशन ओलिविया तो आप याद रख सकते हैं लेट मी शो यू वन तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दिस इज द दिस इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि है आपका uh, गहिर माथा वाला पार्ट तो ये आपको दिख रहा है ये दिस इज द होल उड़ीसा वाला पोर्शन यहाँ पे आपको यहाँ पे बिल्कुल यू uh, कैन सी गहिर माथा हेयर ऑलिव ऑलिवर नेस्टिंग है ही यहाँ पर हो ही रही है uh, कुछ जगहें देख लीजिएगा एक यहाँ पर एक तो ऋषिकलिया के पास एक नदी आती है देवी रिवर यहाँ पर ऋषिकलिया रिवर है एक देवी रिवर भी है दिख रहा है आपको ये दिस इज़ द ऋषिकल्या रिवर एंड दिस इज़ द देवी रिवर है ना देवी रिवर के माउथ में भी बहुत सारी आपको मिलेगी uh, धामरा इज़ अ प्लेस विच इज़ लोकेटेड हेयर तो ये कुछ कई जगहों पर कई बार पूछ लेते तो ऑल दीज आर द द्लेसेज ऑफ मास नेस्टिंग आप देख सकते हैं गहिर माथा हो गया uh, यहाँ पे आपका पॉस्को पोर्ट साइड भी आपको दिख रही होगी So you know, the, all these are the mass nesting places here. So I hope you got clarity. आगे मूव करते हैं देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में को डिस्कस करना है तो एक न्यूज़ है सॉल्ट फ्लैट्स के रिगार्डिंग व्हाट आर सॉल्ट फ्लैट्स एंड ऑल तो सॉल्ट फ्लैट क्या होता है मैं आपको बता दूं सॉल्ट फ्लैट एक नेचुरल लैंडस्केप है इन विच अ लार्ज एरिया ऑफ फ्लैट लैंड इज कवर्ड बाय सॉल्ट सॉल्ट फ्लैट एक ऐसा नेचुरल लैंडस्केप है जिसमें एक लार्ज एरिया फ्लैट लैंड का जो रहता है वो सॉल्ट से कवर हो जाता है है ना और uh, सबसे बड़ा जो वर्ल्ड का वेल नोन सॉल्ट फ्लैट है वो सलार डी ओयूनी uh, uh, बोलीविया में सलार डी ओ यूनी इन बोलीविया दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन सॉल्ट फ्लैट ऑफ द वर्ल्ड बोलीविया का एंड इट इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ इट्स काइंड ऑल्सो इट कंटेन्स एंड इट ऑल्सो कंटेन्स मोर दैन हाफ ऑफ द प्लान्स लीथियम रिजर्व मतलब ये सॉल्ट फ्लैट जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा लीथियम रिजर्वस भी हैं uh, flat forms फॉर्म्स नेचुरल वाटर बॉडी हूज रिसार्ज रिचार्ज रेट रेट इज इज़ लोअर द इवेपोरेशन रेट तो सॉल्ट फ्लैट ऐसी जगह पर फॉर्म होता है जहां पे जो रिचार्ज uh, रेट है वाटर का वो लोअर दैन द इवेपोरेशन रेट है मतलब इवेपोरेशन ज्यादा तेजी से हो रहा है तो अगर इवेपोरेशन ज्यादा तेजी से होगा तो एक ऐसा समय आएगा जब पूरा का पूरा पानी इवेपोरेट हो जाएगा और जब पूरा पानी इवेपोरेट हो जाएगा तो इट विल लीव ऑनली वॉट सॉल्ट बिहाइंड सॉल्ट बिहाइंड ये छोड़ के चला जाएगा एंड ये सॉल्ट जो है ये फर एक तरीके से फ्लैट टेबल लैंड टाइप का बना लेगा अब अभी रिसर्चर्स ने ये पता किया है कि ये जहाँ पे भी सॉल्ट फ्लैट्स होते हैं वहाँ पे आपको सॉल्ट रिजे भी आपको देखने को मिलेंगे इस तरीके से आपको रिजेस भी देखने को मिलेंगे सॉल्ट की और रिजेस के ऊपर ही उन्होंने कुछ कुछ अलग अलग फाइंडिंग्स की हैं ठीक है ना तो सॉल्ट फ्लैट्स तो हैं सॉल्ट फ्लैट के बाद उन्होंने बताया कि यहाँ सॉल्ट रिजस भी बनती हैं एंड फिर उन्होंने ये देखा कि ग्राउंड वाटर कैसे उसकी सेलिनिटी कैसे वेरी हो रही है जैसे टॉप सॉइल के पास जो सेलिनिटी है वो ज़्यादा है उसके बाद जैसे जैसे आप अंडरग्राउंड मूव करोगे वैसे वैसे आपको सेलिनिटी

ये तो उड़ेगी ना धीरे धीरे और ये रेस्परेटरी डिसीजे और एरोसोल के रूप में ये सस्पेंड हो जाती है तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस इज़ द इंटरनेट एज वी नो इट इज गोइंग टू चेंज अब यहाँ पे बात चल रही है स्कॉटस यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स की उसमें दो लॉ सूट्स अभी लगे हुए हैं पहला लॉ सूट है जो बेसिकली है गल वर्सेज गूगल का और दूसरा जो लॉ सूट है वो है आपका ट्विटर वर्सेजी तामनी, तामनी का केस चल रहा है अब ये दोनों लॉ सूट जो हैं बेसिकली एक आ, वहाँ पर सेक्शन टू थर्टी है देर इस सेक्शन टू थर्टी देर जो इंटरनेट लॉज से रिलेटेड है यू एस कम्युनिकेशन डिसेंस एक्ट 1996 नाइनटी से यूएस कम्युनिकेशंस डिसेंसी एक्ट नाइन्टीन नाइनटी का सेक्शन टू थर्टी जो है वो ये कहता है इट्स शील्डिंग एक्ट शील्डिंग सेक्शन बेसिकली जो टेक्न uh, कंपनीज uh, को बचाता है कि फ्रॉम एनी लाइबिलिटी ऑन द कंटेंट दैट इज़ पोस्टेड देयर मतलब कि जैसे ट्विटर में अगर कोई चीज़ पोस्ट हुई है और उसका कोई नुकसान हुआ है तो उसके लिए ट्विटर रिस्पॉसिबल नहीं हो सकता सेक्शन टू बोलता है तो बेसिकली इसीलिए ये जो लॉ सूट है इसमें ये बेसिक क्वेश्चन आंसर किया जाएगा कि क्या आप जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं इस तरीके के इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स जो हैं क्या आप उनको रिस्पॉसिबल ठहरा सकते हो उनके ऊपर पोस्ट होने वाले कंटेंट के लिए जैसे गोंजालेस केस में यूट्यूब के ऊपर कहा गया कि भैया उसका जो रिकमेंडेशन और है वो उनके बेटे को आई के वीडियोज़ रिकमेंड कर रहा था इस कारण से ऐसा ऐसा, ऐसा चीज़ें हुई तो अब बेसिकली क्वेश्चन ये है कि क्या आप YouTube को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हो कि क्या वीडियो रिकमेंड कर रहा है और किस तरीके से तो दिस इज द बिग क्वेश्चन दैट इज गोइंग टू बी सॉल्ड देयर तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी आगे देखते हैं मल्टीलेटरल रिफॉर्म्स आर अ पीरिटी इन G20 ट्वेंटी uh, मल्टीलिट्रलिज्म या मल्टी लेटरल रिफॉर्म्स प्रियोरिटी पर रहेंगे ऐसा कहा जा रहा है uh, अगर आप देखें इस बार G20 में तो G20 में भी मल्टी uh, लेट्रलिज्म को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है ठीक है ना दैट दैट इज द थिंग यहाँ पे यहाँ पे जी का बेसिकली मल्टीलिटरलज्ड टू का जीरो मैप तैयार किया जा रहा है मतलब अब ये नया एक न्यू बिगिनिंग दी जाएगी मल्टी को और मल्टी ने बहुत सारे मतलब क्राइसिस कन्फ्रंट किए हैं आपने देखा होगा कि बीच में यू का स्टैंड जो था वो प्रोटेक्शनिज्म की तरफ जा रहा था इनफैक्ट वर्ल्ड की मोस्ट ऑफ़ द कंट्रीज प्रोटेक्शनिजम की तरफ जा रही थी अब जब वो प्रोटेक्शनिज्म की तरफ जाएंगी तो ऑब्वियस सी बात है बड़े बड़े जैसे टी ग्रुपिंग छोड़ दी इंडिया ने आर सी ग्रुपिंग छोड़ दी तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं बीच में करोजन या डिग्रेडेशन हो रहा था मल्टी का इसके अलावा अभी पैंडमिक आया फिर क्लाइमेट इमरजेंसीज आई हार्डशिप आई अब जब ये सब चीजें आ रही है तो अब ये समझ में आ रहा है कि इनक्री यहां पर सिंगल रहकर के आप इन चीज़ों को फेस नहीं कर सकते आइसोलेशन में इन चीज़ों को फेस नहीं कर सकते इन सब में एक सिंगल यूनिफाइड अप्रोच यूनिफाइड अप्रोच लगेगी और यूनिफाइड अप्रोच जहां आ गया वहां पर आपका मल्टीलिटरलिज्म आ गया है ना तो आपको चाहे चाहे आपको क्लाइमेट चेंज रोकना हो चाहे आपको माइग्रेशन का इशू हैंडल करना हो चाहे आपको मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हैंडल करनी हो चाहे आपको साइबर सिक्योरिटी का हैंडल करने हो तो कलेक्टिवली और मल्टीलिटरल अप्रोच के साथ ही आप इनको सॉल्व कर सकते हो तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे ऑथर ने जी ट्वेंटी को टारगेट किया कि जी ट्वेंटी अगर चाहे तो इसमें मल्टी लेटरिज्म में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें दे कैन डिवाइज मल्टीपल सल्यूशन इंडर दिस तो पहली तो उन्होंने कहा है कि ऑब्वियसली बात है मल्टीलिटर रिफॉर्म्स करने की जरूरत है इंडिया को भी मल्टीलिटरल अप्रोच को का इंपॉर्टेंस लोगों के सामने लाने की जरूरत है और एक नेरेटिव बनाना पड़ेगा फॉर मल्टीलिटर रिफॉर्म एंड ऑल एंड इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मेनी ऑफ द प्रॉब्लम्स टूडे आर द ग्लोबल प्रॉब्लम्स एंड को ग्लोबल सल्यूशन की जरूरत है ग्लोबल कोऑपरेशन की जरूरत है कोई एक कंट्री के प्रॉब्लम

ओरिजिनल एक्ट में उसके बाद अब जो मर्जर वाला है तो स्प्लिट वाला बोलता है कि भैया वन थर्ड स्प्लिट के केस में वन थर्ड अगर मेंबर्स यहाँ से जा रहे हैं एक पार्टी से दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं तो उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लागू नहीं होगा सेम मर्जर के लिए बताया गया कि जब मर्जर हो रहा है और टू थर्ड मेंबर्स कहीं से आ रहे हैं किसी टू थर्ड मेंबर्स आके मर्ज हो रहे हैं तो फिर एंटी डिफेक्शन लागू नहीं होगा अब ऑथर ने कहा कि दोनों चीज़ें हम आप जब पढ़ते हैं ये एक्ट के अंतर्गत पढ़ते हैं द स्प्लिट एंड मर्जर इशू दोनों में एक कंडीशन कॉमन है कि पहले केस में स्प्लिट होना जरूरी है दूसरे केस में मर्जर होना जरूरी है और स्प्लिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसका डिसीजन कौन लेगा इसका डिसीजन वो ओरिजिनल पार्टी लेगी जिसके अंतर्गत वो लोग सेलेक्ट हुए थे जैसे ही महाराष्ट्र में जो केस था जो शिंदे वाला ग्रुप था वो सेलेक्ट हुआ था उद्धव ठाकरे के अंतर्गत वो सेलेक्ट हुआ था उद्धव ठाकरे के अंतर्गत तो शिवसेना के अंतर्गत तो फिर इसका डिसीजन स्प्लिट या मर्जर हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये डिसीजन उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है उद्धव ठाकरे का जो ग्रुप है जो कि उनकी लीडरशिप में ये लोग सेलेक्ट हुए थे तो उनके पास था ये डिसीजन एंड यही चीज ऑथर ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट जो है वो मिस कर रही है दे आर मिसिंग दिस पार्ट ठीक है तो यहां पे देखो उन्होंने लिखा है फर्स्ट थिंग इज दैट लेजिस्लेटर्स हैव नो फ्रीडम अंडर द शेड्यूल टू स्प्लिट और ब्रिंग अबाउट अ मर्जर ऑफ देयर पार्टी विद एन अदर यह डिसीजन स्प्लिट और मर्जर का लेजिस्लेटर्स के पास नहीं होता है ओनली द ओरिजिनल पार्टी कैन डू दैट एंड द लेजिस्लेटर्स हैव द चॉइस टू एग्री और नॉट टू एग्री विद इट ठीक है ना देन अ लीगल विप कैन बी इशूड ओनली बाय द ओरिजिनल पोलिटिकल पार्टी विच सेट दैम एज द कैंडिडेट इन द इलेक्शन जिसने कैंडिडेट के रूप में सेट या उनको इलेक्शन में वही ओरिजिनल होती है वही लीगली इशू कर सकते हैं वेब एंड कोर्ट बेसिकली उनको देखना है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इन इशूज को हैंडल करना है एंड उसके बाद तभी मतलब उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अभी भी चाहे तो वन के अंतर्गत मैंडेट जारी कर सकती है क्योंकि कंप्लीट जस्टिस के लिए उनके पास पावर है कि लॉ या डिग्री पास करने की तो दे कैन डू स्टिल ड्यूस हो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस आर्टिकल एज वेल एक और आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे हाउ टू बिकम अ ग्रीन हाइड्रोजन सुपर पावर तो यहाँ पे ऑर्स बात है ग्रीन हाइड्रोजन की बात की ऑथर ने क्योंकि इंडिया जो है उसका टारगेट है कि 2030 तक 50 परसेंट जो इलेक्ट्रिसिटी है वो नॉन फॉसल फ्यूल्स या रिन्यूएबल सोर्सेज से आए तो ऐसे में ग्रीन हाइड्रोजन बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है ऑथर ने कहा है पांच प्रियोरिटीज पे हमको ध्यान देना है पहली चीज तो ये कि हमको डोमेस्टिक डिमांड क्रिएट करनी है अगर हम डोमेस्टिकली बड़े प्लेयर नहीं है तो हम इंटरनेशनली भी बड़े प्लेयर नहीं बन सकते हैं वी कैन नॉट बी अ मेजर प्लेयर इन द इंटरनेशनल मार्केट एन एन एस वी आर नॉट अ बिग प्लेयर डोमेस्टिकली तो यहां पर हमको इस डोमेस्टिक डिमांड को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए ऑथर ने बात की साइट प्रोजेक्ट मिशन की आप सबको पता है साइट यानी कि स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन ये एक फंड क्रिएट किया गया है पांच सालों के लिए तेरह करोड़ का डायरेक्ट सपोर्ट रहेगा टू कंज्यूम बेसिक ग्रीन हाइड्रोजन एंड ऑल यहां पर uh, तो ले मैं आपको ब्लेंडिंग करनी है uh, इसी तरह से स्टील सबको पता है, कि है इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर है वर्ल्ड का हम कर सकते कि हम लार्जेस्ट ग्रीन स्टील प्रोड्यूसर बन जाए ग्रीन स्टील को प्रोड्यूस करना शुरू कर दे ग्रीन हाइड्रोजन के माध्यम से तो यहां से भी डिमांड बढ़ जाएगी पहला तो ये दूसरा का, का है कि इंडिया जो है अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन सकता है फॉर डोमेस्टिक एंड फॉरन इन्वेस्टमेंट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्रोजेक्ट्स जो है दे आर फ्यूअर कम्पेयर टू अदर्स तो हमको वो प्रोजेक्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे एंड ग्रीन हाइड्रोजन जो होता है वो डिफिकल्ट होता है एंड एक्सपेंसिव होता है टू ट्रांसपोर्ट तो यहाँ पे हमको यहाँ पे कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी तरीके से प्रोडक्शन uh, को कंसोलिडेट करें और ऑल दिस थिंग्स आर देयर वी कैन बिकम एन अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर द इन्वेस्टमेंट एंड ऑल थर्ड जो है हमको साइट फंड जो है वो पैंतालीस सौ करोड़ देता है टू सपोर्ट द इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग

इकोनॉमी एंड बिकॉज इन द दब्सेंस ऑफ कॉमन ग्लोबल फ्रेमवर्क्स यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी तो हमको जो इमरजेंट या डेवलपिंग या डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं उनके साथ कॉपेट करना चाहिए और ग्लोबल ग्रीन हाइड्रोजन के कुछ रूल्स बनाने चाहिए डेवलपमेंट के तो ऑल दिस थिंगशन दैट इज इट फॉर दई होप यू लेट यर वीडियो कीप लविंग अस कीपेरिंग अस थैंक यू डेइस डे